खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां एक मनचले युवक को लड़की के साथ अश्लील मैसेज करना पड़ा भारी। आपको बता दें, ये लड़का मोबाइल पर अश्लील मैसेज किया करता था। कुछ दिनों के बाद लड़की ट्यूशन पढ़ने जहां जाती थी, वहां के टीचरों को भी गंदी गंदी गालियां दिया करता था। ये लड़का जो मन चला था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। काफी दिनों तक पुलिस की कार्रवाई न होने पर लड़की ने मांगी थी इच्छा मृत्यु। लड़के के अश्लील मैसेज से तंग आकर युवती ने लगाई थी न्याय की गुहार। लेकिन मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। देखें पूरी रिपोर्ट। युवती ने ये तहरीर दी थी कि उसको इंटरनेट पर और उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको परेशान किया जा रहा है, और उसके जो संबंधी हैं जैसे उसके पिता, उसके जीजा, उनको भी फ़ोन करके उसकी शादी तोड़वाने और उसको परेशान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके संबंध में पीछे कुछ मीडिया चैनलों द्वारा यह खबर चलाई गई कि लड़की इस घटना का खुलासा ना होने के कारण से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही। उस केस में आज साइबर सेल और सर्विलांस सेल और थाना रुदौली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण का ये लड़का बी फार्मा किया हुआ है इस लड़के ने, और जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में पूर्व में ब्लॉक में काम करता था, जहाँ पे वो लड़की को पसंद करने लगा और लड़की के साथ में शादी करना चाहता था। इस संबंध में उसने लड़की से बताया भी था, लेकिन चूँकि लड़की ने उसको मना कर दिया, इसलिए इसने VIP और व्हाट्सएप के माध्यम से इसको परेशान करने की योजना बनाई। चूँकि ये लड़का लड़की के संपर्क में था, तो जब भी ये लड़की को परेशान करता था VIP के माध्यम से, तो लड़की कॉन्फिडेंस में इसको बताती भी थी कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस क्या कर रही है। इस वजह से ये चीज़ जानते हुए दोबारा से परेशान करते हुए उसको लिखता भी था कि तुमने पुलिस को ये बताया, वो बताया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जिस कारण से लड़की बार बार परेशान हो रही थी। जो इसका पुलिस मोडस ऑपरेंडी है वो समझ लिया गया है और इसको बाद गिरफ्तार करके जेल।